ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। इसके अंतर्गत हमने कल ये देखा था कि अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किन पदार्थों से मिलकर बनता है, कल हमने इस चीज को देखा था। तो कल आप बताइए इस बात को कि अर्धचालक किससे बनता है। बिल्कुल सही जवाब, सिलिकॉन, कार्बन, है ना, जर्मेनियम, इन पदार्थों से अर्धचालक का निर्माण होता है। इसके बाद हमने देखा था कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने कल विस्तार से अध्ययन किया। कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही जवाब, पहला निज अर्धचालक और दूसरा जो होता है बाह्य अर्धचालक, है ना। निज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उनमें किसी प्रकार के और किसी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका हम मिलावट नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं। और दूसरा जो हमने देखा था बाह्य अर्धचालक, जिसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को मिलाते हैं। पंचसंयोजी वाले या त्रिसंयोजी वाले पदार्थों को जब मिलाते हैं तो ऐसे जो पदार्थ बनते हैं या ऐसे जो क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम कि उनमें अशुद्धियां मिलाते हैं? क्योंकि इससे उसकी चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बारे में हमने कल विस्तार से देखा। अब जो बाह्य अर्धचालक होता है वो भी बनावट के हिसाब से, बनावट के क्रम के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही, कौन कौन से होते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा पी प्रकार के अर्धचालक। कल हमने इस बारे में देखा था कि एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसकी अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन को हम और कौन सा कण कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, ऋण कण। कौन सा कण कहते हैं? ऋण कण कहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने जो देखा था पी प्रकार का अर्धचालक, यह जो अर्धचालक होता है वह उसमें जो है किसकी अधिकता होती है, बता सकते हैं? धन कण। बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो इसमें जो है धन कणों की अधिकता होती है, इसलिए इसमें धन जो कण होते हैं या जो होल होते हैं वह विद्युत वाहक क्या कार्य करते हैं। इस तरीके से एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है और पी प्रकार के अर्धचालक में धन कण अर्थात होलों की संख्या अधिक होता है, ठीक है। इसके विषय में हमने देखा और इसके साथ साथ हमने आगे जो देखा था कि हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हम अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आपने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखा था कि जो सोलर पैनल होते हैं इस प्रकार से, है ना, सोलर जो पैनल होते हैं इसका जो मुख होता है किस ओर रखा जाता है, सूर्य की ओर रखा जाता है, ठीक है। और ये जो सोलर पैनल होता है उसमें इस प्रकार खानेदार खाचेदार जो है तत्व लगे हुए होते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये किनसे बनते हैं? जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनसे बनते हैं, ना, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये जो खानेदार जो पदार्थ, खानेदार जो खाचे खाचे आपको दिख रहे हैं बॉक्स, ये जो बने होते हैं ये अर्धचालकों के बने होते हैं, ठीक है। ये सोलर पैनल का क्या उपयोग है? सोलर पैनल का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है कि जब सूर्य की किरणें इन पर चल पड़ती हैं तो ये जो अर्धचालक यहाँ पे बना हुआ है यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जब ये गति करने लगते हैं तो यही जो है किसमें बदल जाते हैं, विद्युत में बदल जाते हैं, जिसको हम बैटरी में संचित करते हैं। और इनका उपयोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों के गांवों में करते हैं जहां पर विद्युत की सुविधाएं नहीं है। और इन्हीं विद्युत का प्रयोग हम कुओं से पानी निकालने के लिए भी करते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस विद्युत का प्रयोग हम बिजली के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ कुओं से पानी के लिए भी करते हैं। और इस चीज को भी हमने अध्ययन में देखा था कि जो हमारे
जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, है ना, या जो हम उपग्रह क्या करते हैं, भेजते हैं, उन उपग्रहों में कहाँ से विद्युत आता है? इन्हीं सोलर पैनलों की सहायता से क्या किया जाता है? विद्युत प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, है ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है? वो इन्हीं सोलर पैनलों के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो हमारे तेल कूप होते हैं, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, यदि वो तटीय इलाकों से काफ़ी दूर हैं, ऐसे स्थिति में उन कुओं से हमको जब पेट्रोलियम पदार्थ निकालना होता है, तब हम विद्युत कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो तट से काफ़ी दूर हैं, तब हम कैसे प्राप्त करें विद्युत? तो इसी सोलर पैनल के माध्यम से जो है विद्युत प्राप्त किया जाता है, और तेल कुओं से जो है तेल की प्राप्ति की जाती है। तो इस तरीके से इन सिलिकॉन्स या जो हमारे अर्धचालक हैं, इनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपने इस उपकरण को देखा होगा, इस उपकरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मोबाइल। बिल्कुल सही जवाब। इस उपकरण का उपयोग आप आज जो है आधुनिक युग में बहुताय में करते हैं। क्यों करते हैं इस उपकरण का प्रयोग? बातचीत। बिल्कुल सही जवाब। बातचीत करने के लिए हम इस उपकरण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यह जो उपकरण है, ना केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के डाटाओं को संचित करने के लिए भी होता है। ठीक है, इसके जरिए हम ईमेल की सुविधा भी हमको होती है। ठीक है, सूचनाओं को, मैसेज को भेजने के लिए भी होती है। ठीक, और साथ ही साथ हमको काफ़ी कुछ जो वीडियो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, इनको देखने के लिए भी इसकी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया जो है, व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं लाई हैं, फेसबुक जैसी सुविधाएं लाई हैं, जिससे हम अपरिचित लोग और परिचित लोग, कई प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी उपकरण बने हैं, इन उपकरणों के बनने और हमको इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलने के पीछे हमारा जो ये पदार्थ है अर्धचालक, इसका बहुत योगदान है। इसी तरीके से आप जो है मोबाइल में किसका प्रयोग करते हैं, हाँ बताइए। मोबाइल में आप इस प्रकार का चीफ जो होता है, इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल्डन कलर का जो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो होते हैं अर्धचालकों से बने होते हैं। ठीक है, देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। इस तरीके से ये जो मेमोरी कार्ड, सबसे पहले हमारे जो पीसी जो कार्ड है, वो मेमोरी कार्ड के रूप में सबसे पहले आया। ठीक है, मेमोरी कार्ड के रूप में कौन सा कार्ड सबसे पहले आया? पीसी कार्ड जो है सबसे पहले आया, उसके बाद एसडी कार्ड और इस प्रकार के विभिन्न जो कार्ड हैं जो है मार्केट में आते चले गए, उनका निर्माण होते चला गया। और ये जो है, पहले इनमें कम डाटा जो है आता था, लेकिन आजकल जो पीसी कार्ड बन रहा है, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे डाटा आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी जो है हमारे जो आगरा के दलाई बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है C.M. मरकान, है ना, उन्होंने ये बताया है या उन्होंने ये इस बात की पुष्टि की है कि चूंकि क्वांटम की स्थिति के कारण इसमें जो है डाटा संचित होते हैं। किन की स्थिति के कारण? क्वांटम की स्थिति के कारण इनमें डाटा संचित होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अभी जो ये हम जो चीफ यूज करते हैं, इसमें सीमित डाटा आते हैं। ठीक है, कुछ ही डाटा इसमें आते हैं, और यदि हमको कुछ और डाटा इसमें डालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, कुछ डाटा को रिप्लेस करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, है ना, करते हैं ना। लेकिन मरकान सर ने, विशेषज्ञ जो आगरा के हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब ऐसे इस प्रकार के जो मेमोरी कार्ड बनाए जा सकते हैं, जिसमें हमको डाटा को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन पर्यंत हम उस चीप के अंदर कई प्रकार के डाटाओं को क्या कर सकते हैं,
डाल सकते हैं, संचित कर सकते हैं, और हमको कोई भी उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है या किसी दूसरे जो है चीफ में डालने की आवश्यकता नहीं है, और उसके खराब होने की संभावना भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस प्रकार के जो मेमोरी कार्ड है उसको बनाए जाने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, है ना, ये जो है आपका पेन ड्राइव, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, पेन ड्राइव का इस्तेमाल डाटा को इकट्ठा करने में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है, है ना। तो इस तरीके से ये जो पेन ड्राइव होते हैं आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो जाते हैं जिसपे हम डाटा एकत्रित करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक समय में जितने भी आप सिस्टम देखते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, और डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक, और कैलकुलेटर हो गया, ये सारे सिस्टम में क्या लगे होते हैं, अर्धचालक लगे होते हैं। इस प्रकार ये जो अर्धचालक है इसने हमारे जीवन को क्या कर दिया है, बहुत ही सुंदर बना दिया है, क्योंकि हम आज घर बैठे कई सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और प्राचीन समय में हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो था कैसा था, बहुत ही एक सूचना को प्राप्त करने में कई दिन लग जाते थे, कई समय लग जाते थे, परंतु आज ये जो अर्धचालक ने क्या कर दिया है, सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। आज वो दिन दूर नहीं कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, सारी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज जो व्यक्ति है कोई अमेरिका में बैठा है और कोई भारत में है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से आमने सामने क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं हमको कहां से प्राप्त हुई, इस अर्धचालक से प्राप्त हुई, ठीक। अब जो है आगे हम देखेंगे कि ये जो अर्धचालक है इसके और क्या क्या चीजें बनती है, जैसे पी एन संधि डायोड, है ना, और पी एन संधि डायोड को किस तरीके से जोड़ा जाता है, अग्र अभिनति और पश्चिम अभिनति, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसको हम क्या करें, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। तो यह है आपका पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड, ठीक है। पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं, कल हमने देखा था कि अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक। अब ये पी एन संधि डायोड क्या है, जब इसकी हम देख लेते हैं व्याख्या, जब पी अर्ध चालक को एन अर्ध चालक से एक विशेष विधि, है ना, ठीक है। जब पी अर्धचालक को एन अर्धचालक से एक विशेष विधि, जिसको क्या कहते हैं, एक विशेष विधि जिसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, से डोपिंग से जोड़ा जाए, ठीक। जब पी अर्धचालक को एन अर्धचालक से एक विशेष विधि जिसे हम डोपिंग कहते हैं से जोड़ा जाए, तो इस संयोजन को पी एन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है। यदि हमने दो अर्धचालक कल देखा था, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, अब इन दोनों को हम क्या करें, एक विशेष विधि जिसको कहते हैं डोपिंग की सहायता से जोड़ दें, तो जो संयोजन हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं, और जो संधि हमको प्राप्त होता है उसको पीएन संधि कहते हैं, ठीक है। और पीएन संधि, पीएन डायोड
जो संधि पी एंड डायोड के मिलन स्थल संधि कहते हैं, ठीक है, या पी एन संधि कहते हैं, ठीक। तो पी एन संधि डायोड किसको कहते हैं? डायोड, डायोड नाम से स्पष्ट है, दो, ठीक है। तो जहां पे पी और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि जिसको कहते हैं डोपिंग, इसकी सहायता से जब हम इसे जोड़ देते हैं तो जो संयोजन प्राप्त होता है उसको पी एन संधि डायोड कहते हैं, और उनके जो मिलन स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? संधि स्थल कहा जाता है, या पी एन संधि स्थल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो परिभाषा हो गया। अब इसका जो है क्रिया विधि के बारे में देखते हैं कि जब पी को एन से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आपका जो है पी सिरा, है ना, अर्धचालक का ये जो पार्ट है वो कौन सा भाग हो गया? पी भाग हो गया। और ये जो भाग हो जाएगा वो कौन सा भाग होगा? एन भाग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पी एन संधि। इसको हम कौन सी विशेष विधि से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब, डोपिंग की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? पी एन संधि को जोड़ देते हैं, ठीक। जोड़ने वाले ये जो स्थल होता है, जुड़ने वाला जो स्थल होता है, इसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है, पी एन संधि, ठीक। इसका यदि हम संकेत बनाएं तो संकेत कैसे बनता है? संकेत जो बनता है वो इस प्रकार से, यहां एक गोल आकृति, ठीक है, यहाँ पे एक जो सिरा जिसका मुंह कैसा होता है, बड़ा होता है, और ये ऐसा त्रिभुज के समान है ना, और ये जो है छोटा मुख, और ये कैसा हो गया? बड़ा मुख, ठीक है, है ना। तो ये जो बड़ा मुख होता है इसको कौन सा सिरा को प्रदर्शित करता है? पी सिरा को बताता है। और ये जो छोटा मुख होता है ना, ये वाला जो मुख, इसको ये कौन सा सिरा को बताता है? एन सिरा को बताता है। इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं कि पी एन संधि को, पी एन संधि डायोड को इस तरीके से भी संकेत के माध्यम से बताया जा सकता है या समझा जा सकता है ना, जिसमें ये इस प्रकार आकृति बनता है, एक त्रिभुज की आकृति, जिसमें ये बड़ा वाला मुंह जो होता है वो पी क्षेत्र को बताता है, और ये छोटा वाला जो मुख होता है वो एन को बताता है, ठीक है। हमने ये चीज को देखा था कल कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में कौन से आवेश होते हैं? धन आवेश, बिल्कुल सही जवाब है ना। इसमें जो होते हैं अधिक संख्या में जो है कौन से आवेश होते हैं? धन आवेश होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में कौन से आवेश होते हैं? ऋण आवेश, ठीक है, अल्प मात्रा में कौन से आवेश होते हैं? ऋण आवेश। इसी प्रकार एन अर्धचालक की बात करें तो एन अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाते हैं? माइनस से, ऋण से। तो बहुसंख्यक आवेश यहां पे क्या होते हैं? ऋण होते हैं, ठीक। लेकिन अल्पसंख्यक में कौन सा आवेश उपस्थित होता है? यहां पे धन आवेश उपस्थित होता है, ठीक। अब जब इसे हम एक विशेष विधि से जोड़ देते हैं पी एन संधि को, तो आपको मालूम है कि विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। और समान जो आवेश होते हैं उसमें प्रतिकर्षण होते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि पी संधि में प्लस आवेश है, धन आवेश है, और इसमें जो है ऋण आवेश है। तो क्या होंगे? ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, और कहां की ओर चलेंगे? कहां की ओर जाएंगे? संधि की ओर, ठीक है। यहां का जो धन आवेश है वो संधि की ओर जाएगा, और यहां का जो ऋण आवेश है वो भी कहां की ओर जाएंगे? संधि की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार यहां जब
यहाँ का धनावेश यहाँ जाता है संधि में और यहाँ का ऋणावेश यहाँ की ओर जाता है संधि में, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आया, फिर से देखें, है ना। यहाँ का जो धन आवेश, जो बहुसंख्यक आवेश है, वो आकर्षित होकर किस ओर जाते हैं, संधि की ओर जाते हैं, और यहाँ के जो बहुसंख्यक आवेश है, जो ऋण है, वो कहाँ जाएंगे, संधि की ओर। क्यों जाते हैं, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, और जब ये संधि की ओर जाते हैं तो इस प्रकार संधि के दोनों तरफ एक लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। इस लेयर में यहाँ का धन आवेश और यहाँ का ऋण आवेश जब जाते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मिल जाते हैं, संयोग कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे संधि के दोनों तरफ एक परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, संधि की दोनों ओर क्या हो जाता है, एक परत का निर्माण हो जाता है। इस परत को क्या कहते हैं, अक्षय परत। स्पष्ट है, ठीक है, है ना। पी क्षेत्र के धन आवेश संधि की ओर जाने लगते हैं, उसी तरीके से एल सिरे के ऋण आवेश संधि की ओर जाने लगते हैं, और ये एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में संधि के दोनों तरफ एक पतली परत बन जाती है, जहां ना तो धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, वो एक दूसरे को क्या कर चुके होते हैं, नष्ट कर चुके होते हैं। ऐसे परत को हम क्या कहते हैं, अक्षय परत कहते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे अक्षय परत निर्मित हो जाता है तो आपको मालूम है कि धन जो पी जो क्षेत्र है यहाँ पे कम मात्रा में कौन सा आवेश उपस्थित है। बिल्कुल सही जवाब, ऋण आवेश जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक उपस्थित है। ठीक है, तो वो अल्पसंख्यक मात्रा में जो ऋण आवेश उपलब्ध है यहाँ पे, ये परत के किनारे में इस प्रकार से समंजित हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एन जो सिरा है वहां पर जो अल्प मात्रा में जो आवेश है वो धन आवेश, वो भी इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समंजित हो जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों अल्पसंख्यक आवेश जो पी क्षेत्र में भी है और एन क्षेत्र में भी है, पी क्षेत्र में है वो कौन सा है, ऋण है, और धन क्षेत्र में जो है, सॉरी एन क्षेत्र में जो है वो कौन से हैं, धन है। इस प्रकार से जब समंजित हो जाते हैं तो ये दोनों आवेश जो होते हैं एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे कि यही जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो एक क्या का निर्माण कर लेते हैं, किसका निर्माण कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे ये बैटरी के ऋण सिरा और धन सिरे की भांति काम करते हैं। ठीक है ना, कौन से सिरे की भांति, ऋण सिरा। ऋण सिरे को आप छोटा दिखाएंगे और धन सिरे को कैसे दिखाते हैं, बड़े लकीर से दिखाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इधर ऋण आवेश आ गया तो ये विद्युत क्षेत्र का ऋण सिरा दिखाएगा, और ये धन क्षेत्र आ गया, ठीक है, धन सिरा आ गया तो विद्युत क्षेत्र का धन भाग को दिखाएगा। इस तरीके से यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रोधी का विभव। क्या कहते हैं, रोधी का विभव, या इसी को कहते हैं प्राचीर विभव। अब ये प्राचीर विभव का काम क्या होता है, ये प्राचीर विभव का काम होता है कि यहाँ के अब जो धन आवेश है और यहाँ के जो ऋण आवेश है, इसको परत अक्षय परत में जाने नहीं देता या संधि में जाने नहीं देता। ये क्या का काम करता है, रोधी का। रोधी का मतलब, रोधी का मतलब रोकने वाला। ठीक है, अब यहाँ के आवेश को यहाँ आने नहीं देता और यहाँ के आवेश को यहाँ आने नहीं देता। इस प्रकार से ये हो गया आपका पीएन संधि डायोड। अभी हम क्या देख रहे थे, पीएन संधि डायोड, है ना। इसमें हमने क्या देखा कि जो धन, जो पी जो क्षेत्र है यहाँ के धन इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाते हैं और एन क्षेत्र के ऋण इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण संधि की ओर जाते हैं, और संधि में ये मिल करके संयोग होकर के आपस में जुड़कर एक दूसरे को नष्ट करते हैं, जिसके कारण से एक संधि के दोनों तरफ एक परत का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, अक्षय परत। ठीक है, अब संधि स्थल में इस प्रकार का एक परत जब निर्मित हो जाता है तो हम देखते हैं कि चूंकि पी
जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ मात्रा में ऋण आवेश जो होते हैं ये अक्षय पर्त के किनारे इस प्रकार से समंजित हो जाते हैं, और इसी तरीके से एन क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक आवेश जो धन होते हैं वो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, समंजित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये इनका समंजन हो जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र निर्मित करते हैं, और विद्युत क्षेत्र निर्मित करके ये बैटरी के धन सिरे और ऋण सिरे की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि चूंकि ऋण को आपको दिखाना है तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, छोटी लकीर से ये इस प्रकार, और जो धन को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार एक बड़ी लकीर खींच करके धन सिरे को दिखाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या निर्मित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है, तो इसमें विभवांतर आ जाता है, विभव में अंतर। ठीक, और इसी विभव में अंतर को क्या कहते हैं, रोधी का विभव, या इसी क्या कहते हैं, प्राचीर विभव। रोधिका के नाम से स्पष्ट है रोकने वाला। अब यहाँ के जो आवेश है उसको ये इधर आने संधि स्थल में आने नहीं देता, और यहाँ के भी आवेश को ये संधि स्थल की ओर बढ़ने नहीं देता। ठीक, तो पीएन संधि डायोड में अब धारा का प्रवाह कैसे होगा, कैसे धारा का प्रवाह संभव है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम पी एन संधि को, पी को और एन को एक विशेष विधि जिसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर संधि स्थल में कुछ आवेश चले जाते हैं और अपने आप को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक, और उसके दोनों तरफ एक रोधी का विभव बन जाता है। ठीक है, है ना, इस रोधी का विभव के बन जाने से अब कोई भी आवेश संधि स्थल की ओर नहीं जा पाते, तो ऐसे में धारा प्रवाह कैसे होगा, है ना, ऐसे में धारा प्रवाह होना क्या है, संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पी एन संधि डायोड को क्या करें, बाहर से विद्युत क्षेत्र उसमें आरोपित करें या बाह्य स्रोत लगाएं तो ऐसा संभव हो सकता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो। तो इसी क्रम में कि हम बाहर से किस तरीके से विद्युत क्षेत्र लगाएं या बैटरी लगाएं जिससे उसमें क्या हो सके, पीएन संधि में धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम उस क्रम के अनुसार जो अभी बता रहे थे आपको कि हम क्या करते हैं, बाहर से बैटरी लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। ठीक, उस क्रम के आधार पर जो पीएन संधि डायोड होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला है अग्र अभिनति और दूसरा जो होता है वो होता है पश्च अभिनति। ठीक है, अग्र अभिनति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बेस। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बेस। तो बैटरी को जोड़ने के क्रम के आधार पे पी एन संधि जो होता है ना, बैटरी को जोड़ने के आधार पे पी एन जो संधि होता है वो दो प्रकार के हमको प्राप्त होते हैं, एक तो अग्र अभिनति में, दूसरा पश्च अभिनति में। ठीक है, तो अग्र अभिनति में कैसे जोड़ते हैं, देखिए ये हो गया आपका बैटरी का, सॉरी जो डायोड ले रहे हैं उसका पी क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन क्षेत्र। अब इसे हम किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक, इस प्रकार से बैटरी को का जो साइन है, संकेत है, उसको हम बी से दिखाते हैं। ठीक, ये पी क्षेत्र हो गया और ये कौन सा क्षेत्र हो गया, एन क्षेत्र। अब इसको विद्युत जो स्रोत है उसके जोड़ने के क्रम में अग्र अभिनति क्या होगा, इसको हम देखें। बैटरी का जब हम धन सिरे को पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, ठीक है, बैटरी के कौन से सिरे को, बैटरी के
धन सिरे को जब हम पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं और बैटरी के ऋण सिरे को जब हम क्या कर देते हैं, उसके एंस क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, पी मतलब आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पी मतलब प्लस और एन क्या होता है, माइनस। क्यों? क्योंकि पी जो होता है, पी जो अर्धचालक होता है, उसमें अधिक संख्या में कौन होते हैं, धनावेश। बिल्कुल सही जवाब है ना, इस तरीके से इसमें धनावेश अधिक होते हैं और कम संख्या में ऋणावेश। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अर्धचालक एन में किसकी संख्या अधिक होती है, ऋणावेश की संख्या, और कम संख्या में जो होते हैं वो धनावेश होते हैं। ठीक है, तो अग्र अभिनति किसे कहते हैं, जब हम अर्धचालक पी को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, और अर्धचालक एन के सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि जब भी आपको बैटरी का संकेत दिखाना है, धन सिरा बताना है, तो उसमें आप बड़ा जो है साइन दिखाएंगे, और ऋण सिरे को यदि दिखाना है तो आप उसमें छोटा साइन दिखाएंगे, छोटा लकीर दिखाएंगे। ठीक है, तो जब हम बैटरी के धन को धन से जोड़ देते हैं, पी मतलब धन है ना, बैटरी के धन को धन से जोड़ देते हैं और बैटरी के ऋण सिरे को ऋण से जोड़ देते हैं। ठीक है, एन मतलब ऋण, तो एन ऋण को ऋण से जोड़ दिए और धन को धन से जोड़ देते हैं, इसे कौन सा अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। एक बार फिर से देखें, जब हम बैटरी के धन सिरे को किससे जोड़ देते हैं, धन सिरे से, पी से जोड़ देते हैं, और ऋण सिरे को एन से यानी कि ऋण से ही जोड़ देते हैं, तो इस अभिनति को अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बेस कहा जाता है। ठीक, अब इसकी जो है हम क्रियाविधि देखें। इससे पहले कि हम इसकी क्रियाविधि देखें, इसको हम संकेत के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने भी बताया था कि संकेत कैसे बनता है, ये हो गया आपका त्रिभुज का एकाकार, ठीक, इसमें गोल आकृति, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और ये छोटा वाला सिरा क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार जो है, इस प्रकार जो हम बनाते हैं संकेत है ना, यहाँ पे बैटरी दिखा देंगे, इस प्रकार ये हो गया बैटरी। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। इसके बाद यहाँ पे हम, चूंकि जब ये क्रियाविधि होती है तो इसमें से क्या बहने लगता है, धारा, तो धारा को मापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, धारा को मापने के लिए उपकरण लगाना पड़ेगा, धारा मापी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम माइक्रो एम्पियर की धारा मापने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, धारा मापी लगा देते हैं। इसका संकेत इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे एक कुंजी होता है, कुंजी मतलब आप देख सकते हैं कि हम घर में जो स्विच बोर्ड यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वहाँ पे हम बटन का उपयोग करते हैं, वो जो बटन होता है वही क्या है, कुंजी है। ठीक है ना, स्विच है। ठीक, जब हमको धारा प्राप्त करना है तो हम कुंजी को जोड़ देते हैं, और जब धारा हमको प्राप्त नहीं करना है तो कुंजी को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुंजी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये संकेत बन जाएगा। ठीक, अब इसकी हम क्रियाविधि को यहाँ पे विस्तार से देखें। ठीक है ना, तो जब हम क्या करते हैं कि पी अर्धचालक जो प्लस है ना, उसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे तो क्या होगा, बताइए। यदि हम बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र जहां पे प्लस आवेश है उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे से कैसे होते हैं, समान आवेश कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, समान आवेश कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और ये कहां की ओर जाने लगेंगे, संधि की ओर जाने लगेंगे। स्पष्ट है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस ओर देखते हैं, यहां पे बैटरी का ऋण सिरा से यहां के जो ऋण कण है वो कैसा महसूस करेंगे,
प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, ठीक है, और ये कहां की ओर जाएंगे, संधि स्थल की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि यहां पे आपको अभी मालूम है कि कौन सा विभव है, रोधी का विभव है, ठीक है ना, यहां पे क्या है, रोधी का विभव है। तो जैसे जैसे अब हम बैटरी के शुरू में तो क्या नहीं हो पाएंगे, ये जो कण है संधि की ओर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब हम बैटरी के विभव को बढ़ाते जाते हैं और बैटरी का विभव रोधी का विभव से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये जो कण होते हैं ये रोधी का विभव को तोड़ करके कहां चले जाते हैं, संधि में चले जाते हैं, ठीक है ना, और वहां पर फिर ये क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और धारा बहना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पष्ट है। एक बार फिर से देखते हैं कि बैटरी के धन सिरे से यहां के धन आवेश क्या महसूस करते हैं, प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं, यहाँ के जो ऋण कण है वो बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और कहाँ चलने लगते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं, परंतु यहाँ हमें ज्ञात है कि रोधी का विभव है जो उनको क्या कर देता है, रोकता है। अब ऐसी स्थिति में हम बैटरी की वोल्टता को बढ़ाते हैं और जब बैटरी की जो वोल्टता है वो रोधी का विभव की वोल्टता से अधिक हो जाए, ऐसी स्थिति में ये जो कण होते हैं वो रोधी का विभव को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और तोड़कर संधि स्थल में चले जाते हैं और जिसके कारण से धारा बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे आती है कि यहाँ से एक धन कण का कण जो है संधि स्थल में गया, यहाँ का इधर का एक ऋण कण यहाँ आया और ये एक धन कण और ये एक ऋण कण दोनों मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही ये एक धन कण और एक ऋण कण नष्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ से बैटरी के सिरे से जो धन जो सिरा है यहाँ पर से क्या होता है, धन और ऋण कण का एक जोड़ा टूटता है, ठीक है ना। जैसे ही ये अपने आप को नष्ट कर देते हैं, जरूरी है कि यहाँ पे और कण आए, ठीक है, है ना, यदि यहाँ पे और कण नहीं आएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ का एक धन कण संधि में जाता है और यहाँ का एक ऋण कण संधि में जाता है और एक दूसरे को जैसे ही आपस में नष्ट करते हैं, वैसे ही बैटरी के धन सिरे के पास से एक धन और ऋण कण का जोड़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है और ये जो धन कण होता है वो यहाँ प्रवेश कर जाता है और जो ऋण कण होता है वो बैटरी के धन सिरे में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक धन कण जो हमारा संधि में खत्म हुआ था वो यहां से क्या हो गया, पुनः उत्पन्न हो गया, ठीक। इसी प्रकार इस क्षेत्र में देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, तो यहाँ जो है बैटरी के जो ऋण सिरा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया, एन क्षेत्र में चला गया। यानी जो कण हमारे नष्ट हुए रहते हैं धन कण और ऋण कण वो यहाँ से जो है उत्पन्न होकर उनकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है, स्पष्ट है, समझ आया है ना। तो इस प्रकार जितने धन कण और जितने ऋण कण संधि में जाकर अपने आप को जैसे जैसे नष्ट करते जाते हैं, बैटरी के सिरों से एक एक धन कण और एक ऋण कण की प्राप्ति हो जाती है और ये क्रिया क्या होती है, निरंतर चलते रहती है और धारा प्राप्त होते रहता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ते जाता है। इसको हम ग्राफ में देख सकते हैं, ये हो गया आपका वोल्टेज, है ना, और ये हो गया आपका धारा, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इधर बढ़ाते जाएंगे धारा का मान वैसे वैसे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है धारा का मान भी वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है उसके संगत, ठीक। तो अग्र अभिनति में इस प्रकार की क्रियाविधि चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है, है ना। इसमें कोई डाउट है, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक। आगे देखें तो इस प्रकार से जो है अग्र अभिनति में कार्य होता है, जिसको जिससे जो उत्पन्न धारा होती है उसको हम यहाँ पे धारामापी में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। अब जो है हम क्या देखेंगे, पश्च अभिनति।
जोड़ने के जो क्रम है उसके अनुसार दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पश्य अभिनति, या इसी को कहते हैं उत्क्रम अभिनति, है ना, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स गैस। ठीक है, इस तरीके से जोड़ने के जो दूसरा क्रम है उसके अनुसार पी एन संधि डायोड कैसे होता है, पश्य अभिनति में होता है। अब देखिए ये हो गया पी क्षेत्र और ये हो गया एन क्षेत्र। ठीक है, अब आपको आपको मालूम है कि यहाँ पे जो आवेश वाहक हैं वो है क्या चीज़ है, अधिक आवेश वाहक धन है और कम संख्या में ऋण है। N में इलेक्ट्रॉन है अधिक संख्यक और अल्पसंख्यक में क्या है, धन है। ठीक है, अब इनको किस प्रकार से जोड़ें, इस प्रकार से हम बैटरी को यहाँ पे लगाएंगे। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, P मतलब प्लस और N मतलब माइनस। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ें, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, यदि हम धन को ऋण से जोड़ दें और ऋण को धन से तो क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, पश्य अभिनति। यदि हम बैटरी के ऋण सिरे को पी से जोड़ दें, है ना, यानी ऋण को धन से जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर है, ऋण को किससे जोड़ दिए, धन से जोड़ दिए, और उसी तरीके से धन को किससे जोड़ दिए, इधर एन से जोड़ दें, यानी ऋण से जोड़ दें, उल्टा क्रम हो गया, धन को ऋण से या ऋण को धन से। ऐसी स्थिति में जब हम बैटरी को डायोड से जोड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पश्य अभिनति। ठीक है, कौन सा अभिनति कहा जाता है, पश्य अभिनति कहा जाता है। ठीक, इसके संकेत बना लेते हैं, संकेत हो जाएगा, ये आपने सीख लिया है पी एन। ठीक है, यहाँ पे आप बैटरी लगा देंगे, बैटरी का कौन सा सिरा, ऋण सिरा, ये धन सिरा। ठीक, और यहाँ पे हम धारा मापी लगाते हैं और धारा मापी में ले लेते हैं माइक्रो एम्पियर, वहाँ पे हमने मिली एम्पियर लिया, यहाँ पे हम माइक्रो एम्पियर लेते हैं और यहाँ पे एक कुंजी जो है लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पष्ट हो गया ये चित्र। अब इसकी जो है क्रियाविधि देख लेते हैं कि किस प्रकार पश्य अभिनति में क्रिया होता है। तो आपको मालूम है कि विपरीत आवेश क्या करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब आप देखिए बैटरी का जो ऋण सिरा है ये, है ना, और ये बैटरी का कौन सा सिरा है, सॉरी बैटरी यहाँ पे क्या है, अर्धचालक में धन आवेश है। ठीक, तो ये धन आवेश ये किधर आकर्षित होंगे, किधर आकर्षित होंगे बताइए, धन आवेश किधर, ऋण की ओर, बिल्कुल सही जवाब। तो धन जो आवेश है ये बैटरी के ऋण सिरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और ये इस दिशा में चलने लगते हैं, कहाँ की ओर, बैटरी की ओर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है या ऋण आवेश है ये बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर बैटरी की ओर क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में संधि की ओर आवेश जा रहे हैं क्या, संधि की ओर आवेश जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैटरी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा, हाँ लेकिन कुछ मात्रा में आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है, ऋण कण है, कुछ मात्रा में क्या है, ऋण कण है और यहाँ पे कुछ मात्रा में क्या है, धन कण है, ये यहाँ पे संयोजित हो सकते हैं। ठीक है, संधि में, तो इसके कारण से क्या होगा, थोड़ी सी अल्प मात्रा में धारा बहेगी, थोड़ी सी अल्प मात्रा में क्या होगी, धारा बहेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, धारा का मान जो होता है वो
अल्प ही रहता है, क्योंकि हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ से बैटरी की ओर जा रहे हैं आवेश, कुछ मात्रा में जो थोड़े आवेश है ये संधि के स्थल में जाते हैं, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा धारा बहता है। एक स्थिति जब बैटरी के वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं तो वोल्टेज के एक मान ऐसा होता है जहां पर कि यहाँ जो संधि में युग्मित पहले से जो धन आवेश और ऋण आवेश जुड़े हैं वो एकाएक क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या होते हैं, एकाएक टूट जाते हैं और एकाएक धारा का मान बढ़ जाता है। उस वोल्टेज को जिस पर ऐसा क्रिया होता है उसको जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ के माध्यम से देखिए क्या होता है, यदि हम इधर वोल्टेज को दिखाएं और इधर हम धारा को दिखाएं तो हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, ये देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है ना, लेकिन धारा का मान बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा अल्प जो है धारा जो है ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक विशेष स्थिति में वोल्टेज के इस विशेष मान पर धारा का मान कैसा हो जाता है, एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और वोल्टेज की इस स्थिति जहां पे धारा का मान एकाएक बढ़ गया उसको क्या कहते हैं, जेनर भंजन वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, जेनर भंजन वोल्टेज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अधिक करते जाते हैं, तो वोल्टेज के एक विशेष मान पर यहाँ जो संधि स्थल में पूर्व से ही जो धन और ऋण कण जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और धारा का मान यहाँ पर देखिए एकाएक धारा का मान कैसे हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पश्य अभिनति में ये क्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डायोड, और इसके बाद हम जो है और भी इसके बारे में देखेंगे कि डायोड किसको कहते हैं, डायोड किन उपकरणों में लगे होते हैं, कैसे लगे रहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना, ठीक है। अभी हम ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के अंतर्गत इन विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किए, जिसमें हमने देखा कि पीएन संधि डायोड क्या है ना, वो उसकी अग्र अभिनति पश्य अभिनति के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब अगले जो क्लास है उसमें हम उसके विस्तार से उसके उपकरणों को देखेंगे कि वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।